आयरन फोरआर्म्स की प्रैक्टिस हो गई है। बहुत जल्द ही आयरन लेग्स, आयरन छाती, आयरन पेट और आयरन मेरे आयरन मैन। लेट्स गो फॉर आयरन कीस। So, you have a movie for me? Yes, ma'am, I do. Let's make a movie that sounds exactly like a fusion restaurant. Very cool. So, this is about food? Absolutely not. Okay, then. From the same director that brought us Kal Ho Na Ho and D-Day, comes a massive flop that is a Jeeta Jagta proof that if the script is rubbish, not even actors can save it. Liu Sheng is the designated mythical hero. Kind of a Chinese Rengoku, you know? होजो इज द डेजिग्नेटेड प्रेजेंट डे ह्यूमन गार्बेज, जिसने पीकी ब्लाइंडर्स के पहले ही टोपी में ब्लेड रखने का ट्रेंड चालू किया था। और है मेन हीरो सिद्धू, वो बिलीव्स कि उसकी किस्मत कभी ना कभी तो चमकेगी। लॉटरी टिकट्स खरीदता है, ताबीज एक्सेट्रा, बट लाइफ तो लाइफ है। हमने एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया और उस दिन जाना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है। इससे अच्छा तो एक टेलीफोन ही खरीद लेता। पैसा है नमा, रुपया है नमा। तो सिद्धू इज अ पर्सन हु गोज टू अ रेस्टोरेंट एंड सेज, उसको बोलो कच्चा दे दे, पका मैं दूंगा। या दैट हैपेंड। उसी के साथ है दादा, नौ नंबर का जूता पहनने वाले। ये नौ नंबर तेरे मुंह पे ऐसा चिटकाई दिमाग ठिकाने पे आ जाए। हु हैज लर्नड हिज लेसन आफ्टर एक्टिंग इन अ फिल्म कॉल्ड लक, कि किस्मत हाथ की लकीर में नहीं मेहनत में होती है। देयर इज नो लक विदाउट हार्ड वर्क, एके एवरेज अमित भड़ाना फैन। Apart from them, there are two women who look exactly the same, Sakhi and Meow Meow. नहीं नहीं, मैं बिल्ली नहीं हूँ, ये इसका नाम है। Sakhi sells Dance Master G9, which helps people dance, and her nickname is Miss GSM. Cool, sexy, confident. ऐसे ही और भी useless information है इस movie में, which don't add to the story even in the slightest. Stay tuned. And finally, we have Chopstick. Chopstick, दुनिया का अकेला फोंग शास्त्र का गुरु। चीनी फंक्शन और वास्तु शास्त्र, क्योंकि बाहर में जाए कल्चरल अप्रोप्रिएशन। समझ गया, नान के साथ नूडल, मैं समझ गया। सिद्धू को ये यकीन है कि ही इज लकी, क्योंकि उसको गणेश भगवान जी जैसा दिखने वाला आलू मिल जाता है एक दिन। चमत्कार चमत्कार, आलू में गणेश जी विराजे दादा। मिरेकल 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 मिरेकल। रिप्लीज में भेजो यार, क्या कर रहे हो? जान बेटी यहाँ नहीं, वहाँ डालिए। ओ अच्छा, लोगों को ठग के पैसे कमा रहे। नहीं ठीक है ठीक है, कंटिन्यू। लुक, बिलीव्स अपनी जगह है और साइंस अपनी, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ डीकेइंग, व्हिच फॉर सम रीजन डज नॉट अप्लाई टू दिस आलू। दुनिया के सारे आलू अपनी जगह और इसका आलू महान। आलू नहीं है ये मेरे भगवान है। उल्टी सीधी बातें मत बोला करो भिखारी। राग नंबर है, ई राग नंबर है। तो चॉपस्टिक है इसका दोस्त, वैसा दोस्त जो हमसे हमारी क्लासवर्क की कॉपी लेकर घर चला जाता है और अगले दिन एब्सेंट हो जाता है। मन करता था घर जाके कुटाई कर दूं। चॉपस्टिक को पैसा चाहिए तो अपने लैंग्वेज की नॉलेज को मिसयूज करते हुए ही टेल्स सिद्धू कि ये पासले में बहुत बड़ा राजा था एंड इसे चाइना जाना चाहिए। लू शेंग, लू शेंग, लू शेंग। तभी एंट्री लेती है प्लॉट डिवाइस विद पप्पू कान डांस। आपका जग्स भी इतने प्रिटेंशियस पैरोडीज नहीं बनाता। मैं और नहीं जी सकती, मुझे जहर दे दो। हाँ और मुझे भी। पहली ही मुलाकात में ये इसको अपने इशारों पे नचाती है, क्वाइट लिटरली। एंड देन स्टील्स हिज टोकन बिकॉज शी नीड्स अ चाइनीज वीजा। It's impossibly cute. मैं चाइना जाऊंगा, मैं तुम्हें चाइना नहीं जाने दूंगा, प्लीज लेट मी गो। ओके देन। मतलब कृष्णा की दादी भी इससे कम ड्रामेटिक थी यार। मैं मतलब ही हूँ। बाय द वे, गुड एक्टिंग, नॉट सार्कैज़म, सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उस पाखंडी पर भरोसा है, आलू को भगवान समझता है, लेकिन अपने ऊपर एक पैसे का भी भरोसा नहीं। To compensate for the good acting, there is even better acting from this random person. You know what? This film doesn't take itself too seriously, which is good. But this is where it gets problematic. This is normalized by Bollywood, but seriously, I can only see an uncle dancing with a girl half his age. इन दोनों के बीच के केमिस्ट्री में उतना ही गैप है जितना कि दोनों की एज में, एक जीता जागता अडल्ट का। विश्वास नहीं होता ना,
से वॉट यू विल बट आई विल नेवर रिस्पेक्ट पीपल हु अप्रूव अ कास्ट लाइक दिस. खैर जो भी हो, चाइना में लैंड करते ही मीट्स फ्लाइंग म्याओ म्याओ. इट इज सो हार्ड टू से दिस नेम विद अ स्ट्रेट फेस, आई स्वेयर. हर बैकग्राउंड थीम इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिवली म्याओ म्याओ. एनी हू, तो अब ये मोहतरमा मिलती है हमारे सिद्धू को विथ हर फेक बेली एंड डायमंड्स एंड द फ्लाइंग, और ये इससे चिपक जाता है ठीक जैसे एक्लेयर्स दांतों से चिपकती है. दूसरे तरफ पैरेलल स्टोरी टेलिंग गाइज, सखी गोज टू अ फैक्ट्री दैट मेक्स माइक्रो ट्रांसलेटर्स, पेपर स्प्रे एंड बुलेट प्रूफ अम्ब्रेलास दैट आर ऑल्सो पैराशूट्स, टू स्पेसिफिक. Oh, and she's on a mission too. Let's revisit Sakhi's past in 30 seconds, okay? मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे, मेरी एक जुड़वा बहन और माँ भी थी. एक दिन होजो को गुस्सा आ गया और उसने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाते हुए मेरे पापा और बहन को दुनिया से उठवा दिया. इस गम में मेरी अम्मा चल बसी. अब मेरे कोई दोस्त नहीं है. अब मैं एक लोनर हूँ. Didn't know the wall of China is this weak, you know. ऐसी ईटें निकलती हैं क्या? Insert Chinese माल नहीं टिकते वाला joke. Full comedy हो जाएगी नहीं? Ted और Susie की लाश तक नहीं मिली. हाँ, क्योंकि वो दोनों जिंदा है मंदबुद्धि. और अगर यकीन है कि बहन मर गई है तो चाइना आई क्यों? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर. ऐसे अकलमंद questions मत पूछ, रणवीर सिंह आके मारेगा. हमें लाइफ में हमेशा सिखाया जाता है कि जहाँ एक जैसे दिखने वाले दो लोग होते हैं वहीं समस्या घटती है. क्लासिक डुप्लीकेट कंफ्यूजन. सीता और गीता, क्राइम करे एक बट भुगते कोई और. यहाँ भी वही ड्रामा. कॉस्ट्यूम, मेकअप, डिस्गाइज. बेचारे गांव वाले इस इडियट को लूशेंग समझ के इसकी खातिर करते हैं इन देयर ओन कल्चरली अप्रोप्रिएट वे बाय सिंगिंग. क्या मतलब चाइना के गांव गांव में ये नहीं बचता? अरे गुरुजी, ये तो अपना इंडियन का गाना है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट है. गाने के एंड में म्याओ म्याओ इज वेटिंग टू गिव हिम जहरीली चुम्मी, क्योंकि सिद्धू ने इसके डायमंड्स पकड़वा दिए थे और बॉस के सामने भेज दिया अलग. फेयर इनफ. मूड सेट करने के लिए उसने एक किलर मैशअप भी बना लिया था. क्या मतलब चाइना की लड़कियों को बॉलीवुड नहीं आता? म्यूजिक. ये गाने का मास्टर तो मैं हूँ. मेटा जोक. नॉइस. मूवी में कॉपीराइट नहीं लगता, यूट्यूब वीडियो में गाना यूज करो तो इनको दुनिया भर के एथिक्स आ जाते हैं. गरीबों की हाय लगेगी. हाय. नाउ गेट दिस. शी वेयर्स अ पॉइजनस लिपस्टिक दैट कैन क्रैक मिरर्स एंड बर्न थ्रू फैब्रिक बाय स्टिकिंग अ सेलो टेप ओवर हर लिप्स एंड यूजिंग सिलिकॉन ग्लोव्स. द साइंस इज साउंड. अच्छा. Oh, and she removes the sellotape with her bare hands only. Very nice. कहाँ से लिया मैडम ये शेड आपने? Crack Cosmetics? Oh, अच्छा, L'Oreal Paris. ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? Now, due to the cosmic plan of the universe and by the demand of the script, these two people are inside the same closet. She sees another person who looks exactly like her. और उसको immediately पता चल गया कि ये इसकी बहन है, मरी हुई. स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं. नहीं नहीं, ये बकवास नहीं है. इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग. एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं. बट इसे पक्का यकीन है कि ये इसी की बहन है. क्या बता, होता होगा बहनों का प्यार कुछ. हमारी तो बहन रही नहीं कोई. सैड. तो जैसा विधि का विधान है, गुंडा आता है और उठा के ले जाता है गलत वाली को. Okay, this is an unconscious girl and you are drunk. What are you trying to do exactly here, Chopstick bhaiya? तू उसके कमरे में क्या कर रहा था? भाई मेरा भाई. बता ना भाई, please बता ना मेरा. बता बता बता. Why? हाँ. आके ऐसे. बेशक. Finally, it is time for him to fight Hojo. और ये बेइज्जत होके आ जाता है वापस. And sadly, Dada is also dead because of him. But before dying, his Dada was like, "Bitch, I told you so. But still, don't cry like a chicken now." And yehi bolte, he dies from the topi blade. A boomerang. Kab khoon kholega re tera Sidhu? He gets pissed off and then gets pissed on. Kyunki sirf gussa aane se hi hum apne enemy ko nahi hara sakte. Uske liye training lagti hai. Karate kid wali training. Wax on, wax off. लेकिन उससे पहले लव इंटरेस्ट का भी एक एंगल रखना है, तो सिद्धू गिर जाता है प्यार में
अरे इसी ने काटा था चाइनीज कॉन्सुलेट में, याद है कि नहीं? खुद ही तो औरत का चक्कर बोलता रहता है, अब क्या हुआ? जब से मैं चाइना है लोग मार ही रहे मुझे। मीनवाइल सखी रियूनाइट्स विद हर फादर, जो कि फाइनली अपने खुजली वाला विग खोल के लौट आते हैं, बिकॉज मेकओवर इज इम्पोर्टेंट। ये क्या हो रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। उसके बाद एक मस्त इंस्पायरिंग ट्रेनिंग मोन्टाज फॉलोज। यहाँ मेरा कच्चा फट गया है और तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। सिद्धू इज नाउ रेडी टू किक एस इवन हिज गुरुजीज। मुझे क्यों तोड़ा? सखी का ये फंडा था कि उसकी बहन मर चुकी है, बट वॉज प्रूवन अदरवाइज, एंड नाउ दैट शी हैज कम टू चीन शी मस्ट फाइंड हर बहिन और कम टू चाइना एंड फाइंड हर बहना। कोई भी लाइन यूज कर लो। फिर से कॉस्मिक कनेक्शन एंड स्क्रिप्ट की डिमांड से इट इज फैमिली रियूनियन टाइम। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट, म्याओ म्याओ को लगता है कि दिस पुलिसमैन किल्ड हर फादर, तो क्या पीठ में छुरा घोप दिया? निसास वो पापा चदिन निसा। नो, आई एम योर फादर। एंड देन म्याओ म्याओ सीज सखी एंड रियलाइजेस, शक्स ये तो गड़बड़ हो गई। पर सुजी ने ऐसा क्यों किया? जा पूछ क्या। बट सून ये तीनों आपस ही में अपना निपटा लेते हैं फैमिली ड्रामा, क्योंकि अब बारी है बॉस बैटल की, विद क्लोज अप ऑफ आईज एंड एन इमोशनल मॉन्टाज ऑफ हिज दादा सेइंग, आई डिड नॉट रेज अ फ्रिगिंग चिकन, गेट अप एंड डू स्टफ योर स्टूपिड। मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। सो पेप टॉक फ्रॉम हिज सर, दादा एंड हिमसेल्फ। लेटर ही गेट्स अप टू फाइनली फाइट एंड विन अगेंस्ट अ सीजीआई पोटैटो। That's it. That's the story. This is a proof that even our favorite actors can be cringy sometimes. चाहे वो चाइना में शूट हुई पहली इंडियन फिल्म ही क्यों ना हो। दरअसल इससे पहले मैं चाइना में थी ट्रेनिंग पर। और तुम्हें पता है why despite liking this movie, why I'm mad at the makers? इसलिए क्योंकि एंड में अक्षय कुमार एक हिंट देता है of a sequel named From Chandni Chowk to Africa, जो कभी नहीं बनी। एक दो की ये और एक पिक्चर्स का सीजन 2 मरने से पहले बनवा दो यार। बट हाँ, मानना पड़ेगा द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी आर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स बाय कैलाश खेर। आज पट्टे चक लैंड दे। और तेरे नैना तो मेरा फेवरेट है ही। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? ओके फाइन, लेट्स गो टू द स्टारिंग। क्वाटी के दिल्ली वाले फूफा जी हंसता है, तू तो गया। कंग फू पापा, अगर तू सखी का बाप नहीं होता ना तो अब तक ये बाबू तेरे पिछवाड़े में पेल दिया होता मैंने। बहन की टेंशन, थोड़ा सा हार्डकोर पन है मालूम है, डील विद इट। डार्क डायलॉग्स, वो आए थे मुझे चांदनी चौक से चाइना गले लगाने, होजो ने उनका गला ही काट दिया। ओ साकी साकी रे साकी। निक नेम्स, अंडे मेरे अखरोट। Flying Hojo, Wee! Flying Meow Meow, Wee! Flying Couple, Flying Boats, इतना तो Aquaman के टाइम पे पानी नहीं उड़ा था जितना इनके टाइम में उड़ा। Flying Bad Guys, There is a richer love. In The Karate Kid, And now it's time for the word finders to be featured. Here is the one person who got both the words from Ishqvish. Ta-da! Congratulations! मेरी तरफ से एक वर्चुअल गुलाब जामुन तुम्हारे लिए। ओ अच्छा, बंगाली हो तो रसगुल्ला जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। Okay cuties, that was it. That was the review. Tell me how it was in the comment section. तुम्हारे लाइक से ना मुझे instant validation प्राप्त होता है, जो मेरे अंदर के narcissist को fuel करता है। अबे चुप क्यों हो गए? बोलो। तो थोड़ा सा तो भीख मांगना बनता है। आलू के नाम पे लाइक्स दे दो क्यूटीज। यू आल्सो मस्त 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 मस्त। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, बस उस हूर की जरूरत है। आई कम बैक विद अनदर वीडियो होपफुली नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए ओके, चलो बाय। यू डोंट नो व्हाट्स एमनेशिया? हां, आर यू अनपढ़ गवार? सीक्वल नहीं बना तो कुछ भी करोगे क्या?